वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जीओ, अज तुहाडे नाल पहली साखी सांझी करन लगी हाँ। सिख इनकलाब दे बानी धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। सन 1469 विच पिंड राय भोई की तलवंडी जिला शेखूपुरा पाकिस्तान विच सच का प्रकाश होया। यह प्रकाश मगरों गुरु नानक देव जी के नाम हेठ प्रसिद्ध होया, जिन्हां ने समाज अते धर्म विच इनकलाब लिआंदा। गुरु साहिब दे नां उत्ते ही पिंड दा नाम ननकाणा साहिब पै गया। जदों गुरु साहिब ने देखिया कि एक धर्म दे लोक दूजे धर्म दे लोकां नाल नफरत करदे हन तां उन्हां दा मन भर आया। हिंदुआं विच समाज दे एक वड्डे हिस्से नूं नीवीं जात दे जां अछूत मन्निया जांदा सी, आतां नूं वी नीवां मन्निया जांदा सी। गुरु साहिब ने लोकां विचकार असमानता नूं इक पाप कहा अते इस दा तकड़ा विरोध किया। गुरु नानक देव जी ने समाज दीआं जात पात अते होर वंडियां नूं तोड़न लई नवीं सेध दित्ती। उन्हां दी सिक्ख्या ने सारे लोकां नूं इक श्रेणी विच इकट्ठा कर दित्ता। गुरु नानक देव जी ने जोर दे के कहा, इको रब दे बच्चे होण करके सब बराबर हन। अपनिया सिख्यावां नूं अमल विच लियाउण लई गुरु नानक साहिब ने संगत अते पंगत दी परंपरा शुरू कीती। इत्थे लोक बिना किसे भेदभाव दे इकट्ठे बैठदे, इकट्ठे रब नूं याद करदे, इकट्ठे ही खांदे पींदे। किसे नूं वी जात पात करके जां पैसे करके उच्चा जां नीवा नहीं मन्निया जांदा सी। उन्हां ने लोकां नूं हेठ लिखे राह दस्से। नंबर एक, नाम जपना, परमात्मा नाल सच्चा प्यार। सब मनुखां दे इको पिता दा विचार सानूं यही सिखाउंदा है कि भावें कोई भी नाम रख लईए, राम, अल्लाह, गोविंद, गुरु आदि, पर असी सब उस परमात्मा दे बनाए हुए हाँ अते सानूं आपस विच भैणां भरावां वांग प्यार करना चाहिदा है। नंबर दो, धर्म दी किरत करना। सिर्फ मेहनत की रोटी ही शहद वर्गी मिठी हुंदी है। भ्रिष्टाचार अते नजायज़ ढंगां नाल इकट्ठा किया पैसा मन नूं गंदा करता है। जो लोग होरना बंदियां दी कमाई उत्ते निर्भर करते हैं वह उन्हां दे मानसिक तौर पर गुलाम बन जाते हैं। अजिही माली तौर पर निर्भरता आजाद सोच अते बोलचाल नूं रोक ला दिंदी है। नंबर तीन, वंड के छकना। क्योंकि असी इको प्यो की औलाद हाँ, सानू अपनी कित कमाई लोड़वंदा विच वंड के खुशी होनी चाहिए है। जो लोग अपनी कित कमाई वंडते हैं दूजियां उत्ते कोई उपकार नहीं करते, सगो वह तो अपना फर्ज निभाते हैं जिन्हां दी उन्हां तो अमीर की जाती है। सिख दूजियां नूं दान पुन नहीं करते, वह तो कमाई वंड के खाते हैं। इस जग विच देन वाला दाता रब है। असी कोई दान किवें दे सकते हाँ जदों कि असी आप तो परमात्मा वालों दित्तियां दातां लेंदे हाँ। नंबर चार, भाणा मनना। परमात्मा ही जानता है कि लोगों की भलाई खातर की चंगा है ते की माड़ा है। सानू उस दा हुक्म खिड़े मत्थे मनना चाहिदा है। नंबर पांच, सरबत दा भला। हर सिख तो आस की जाती है कि वह परमात्मा दियां बख्शिशां खातर दिन विच दो वार उसनू जरूर याद करे। अरदास विच सिख केवल अपने परिवार जां कबीलदारी की भलाई खातर नहीं सगों सरबत दे भले की बेनती करता है। गुरु नानक साहिब ने संगत अते पंगत दा सांझा प्लेटफार्म तैयार किया। इत्थे लोग बिना किसी भेदभाव के इकट्ठे होंदे, खांदे पींदे अते रब दा शुक्रिया अदा करदे। इस प्रकार आपने एक समाजिक अते धार्मिक इनकलाब लिआंदा। लोक कवि विच आप नूं इंज याद किया जाता है, नानक शाह फकीर, हिंदू दा गुरु, मुसलमान दा पीर। परमात्मा सारे ब्रह्मांड दा रचनहार है। असी सारे भावें किसी भी जात, रंग, देश जां धर्म दे बंदे हाँ, सब रब दे बंदे हाँ। इस करके किसी भी मनुख नूं नीवां जां घटियां ना मन्नो, सब मनुखां नूं बराबर मन्नो, सब दा आदर करो अते सरबत दा भला मंगो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।